हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है गंटोर कारम। दोस्तों, अगर आप गंटोर कारम मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर किस चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे आप इस मूवी की स्टोरी कैसे जान पाएंगे, बल्कि हम आपको पूरी ए टू जी सब कुछ इस फिल्म में ऐसी मालूमात देंगे। अगर आप मूवी देख भी लेंगे तब ये आपको ऐसी मालूमात नहीं मिलेगी जो कि हम आपको देने जा रहे हैं। गंटोर कारम एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की मिसाला फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी तुरु यक्रम श्रीनिवास ने की है और एस राधा कृष्णा 2024 में स्पाइस ऑफ गंटोर कारम क्रिएशंस के जरिए प्रोड्यूस की है। इसमें महेश बाबू, श्रीला मीनाकशी चौधरी, रमिया कृष्णा, जिया राम प्रकाश राज और जगपती बाबू शामिल हैं। इस फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मई 2021 में आरजी उन्वान के तहत किया गया था, क्योंकि ये महेश की मरकजी किरदार में 28वीं फिल्म है और ऑफिशियल टाइटल का ऐलान मई 2023 में किया गया था। इस बार फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2022 में शुरू किया गया, जिसकी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद में हुई और इसको लपेट दिया गया दोस्तों दिसंबर 2023 के आखिर में। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थामन एस ने तरतीब दिया है, जिसकी सिनेमाग्राफी मनोज ने संभाली है और एडिटिंग नवीन नोली ने की है। गंटोर कारम सिंगरति के मौके पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर इसकी हिदायतकारी, स्क्रीन प्ले, प्ले प्लाट, बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक पर तनकीद करने वाले नाकदीन की जानब से मिले जुले जायजे के मुकाबले मनफी जायजे भी मिले, लेकिन महेश की कारकर्दगी को सराहा गया। ये 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्टोरी का इंतजार होता है कि मूवी की स्टोरी क्या है। इस मूवी की स्टोरी में आप देखेंगे कि गंटोर में मार्किस और लेनिन शहर के दो सबसे बड़े गुंडों ने सेतम की मर्ची फैक्ट्री को चला दिया। ये देखकर सेतम मार्किस और लेनन के पास पहुंचकर इससे सवाल करता है, जबकि फैक्ट्री चल रही थी। इससे 1998 के अमल में सीतम के बहनोई ने लेनन को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन सीतम ने इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसे 12 साल तक जेल में डाल दिया गया। तहम इसका बेटा रमना जुजी तौर पर अपनी बाई आंख की बनाई खो देता है, जिससे वो फैक्ट्री के धोखे के दौरान अंधा हो जाता है। इसके फौरन बाद ये देखकर के सीतम इस तरह जेल गया। इसकी बीवी और रमना की माँ विष्णुधर रमना को छोड़ने का फैसला करती है और अपने वालिद वेंगडा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंगडा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुत को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी 25 देती है कि रमना विष्णुधर का बेटा है और इसका मुकाबला करने के लिए वेंगटा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया है कि वो सुंदर खानदान से मुतालिक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमोलिया अमू और बालू रमना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंगटा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज करने का फैसला किया कि इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस
दस्तावेज़ पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। पल्लो रमना के 23 हमदर्दी रखता है, पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में वेंकटा स्वामी के घर जाती है और बिल्कुल वही कुछ दोबारा बनाती है जो FIR में कहा गया था। विष्णुधर फिर रमना को देखने का फैसला करती है और इसे थप्पड़ मारती है, जिससे वो दस्तावेज पर दस्तखत करती है। वापस गंडूर में काता माधु ने रमना को अपने और अपनी पार्टी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन रमना ने इसे मारा। तहम काता अपना पर्स चुराने में कामयाब हो जाता है और मीडिया के सामने जहर करता है कि वो वाकई सिधर का बेटा है। रिंगटा स्वामी ये देखकर रमना को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है। इसके बाद सीतम ने इंकशाफ किया कि विष्णुदु हादसे के बाद फौरी तौर पर रमना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और इससे लड़ती थी, जिसका ख्याल था कि अपनी भाभी को बचाना इनकी अवलीन तरजीह है। वो रमना को भी अपने साथ वेंकटा स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची सीतम की बहन और इसकी भाभी ने इस पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल अदालत में विष्णुधर ने बाबूजी से रमना की आंख के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर वो इसे बताती है कि इसकी आंख कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। विष्णुधर गुस्से में आया और इस कत्ल का इल्ज़ाम सीतम पर आयद करती है। ये जानकर रमना अफसुदा हो जाती है। जिल्टन बाबा जी और इनके लोग इन्हें और बल्लू को कत्ल करने की कोशिश के लिए अगवा करते हैं। इसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि विष्णुधु के दूसरे शोहर नरिन्ना ने वेंकटा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनके आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुधर को एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इंकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर का हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। वेंकटा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंकटा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी देती है कि रमना उसंद का बेटा है। इसका मुकाबला करने के लिए वेंकटा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वो सिधर आया खानदान से मुतलक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमूल्या अमू और बालू मीना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंकटा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज कराने का फैसला किया। इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेजात पर दस्तखत कराने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। बालू रमना के लिए हमदर्दी रखता है और पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में वेंकटा स्वामी के घर जाती है, बिल्कुल वही कुछ दोबारा बताती है जो FIR में कहा गया। इसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि विष्णुधर के दूसरे शोहर नरियाक ने वेंकटा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनकी आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुधर एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इंकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर को हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। वेंकटा स्वामी ने रमना को हरिदास को कत्ल करने के लिए राजी किया ताकि ये साबित हो सके कि वो सुधर का बेटा है। इस अमल में
वेंकटा स्वामी ने पानी से इंकशाफ किया कि इसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में सीएम की फैक्ट्री पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, क्योंकि विष्णु ने सीतम से शादी करने की वजह से इंतखाबात हारे थे, जो कि दूसरी जात से था। जब रमना हरिदास को कत्ल करने जाता है तो इसने इंकशाफ किया कि इसने कभी काता के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी नहीं की, और ये इंकशाफ हुआ कि वेंकटा स्वामी ने सब कुछ तरतीब दिया था। गोपाल रेड्डी को अगला वजीर बनाने के प्रोग्राम में नरीना ने वेंकटा स्वामी के सामने ये भी इंकशाफ किया कि गोपाल रेड्डी वसुधर का बेटा नहीं है, लेकिन इसे वसुधर ने महज वेंकटा स्वामी को बेवकूफ़ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमना को नुकसान से बचाया जा सके। जब रमना को इस बात का इल्म होता है तो वो वेंकटा स्वामी पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन वसुधर इसे रोकती है और वो दोनों गुंटूर चले जाते हैं, जहां ख़ानदान को दोबारा मिलाया जाता है। ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। अब मैं आपको कास्ट की तरफ लेके चलता हूँ कि इस मूवी की कास्ट क्या है, इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता है आपको नजर आएगा। दोस्तों, इस मूवी में महेश बाबू बतौर वीरा वेंकटडार, मना अरूफ रोटी, रमना, सीतम और वसुधर के बेटे के रोल में नजर आएंगे। श्रीला बतौर अमकत, अम्मू मौलिया पानी की बेटी और रमना की मोहब्बत की दिलचस्पी। मीना कशी चौधरी बतौर राजी, रमना की कज़न। रमिया कृष्णन बतौर वसुधर, वेंकटा स्वामी की बेटी और रमना की माँ। सितेम नरीना की बेवी, वजीर कानून जे राम बतौर रॉयल सीएम, विष्णुधर के पहले शोहर और रमना के वालिद। प्रकाश राज बतौर वेंकटा स्वामी, वसुधर के वालिद और रमना के दादा। जगवती बाबू बतौर मार्कस एनन के भाई और सीएम के हरीफ। राव रमेश बतौर नरीना, वसुधर के दूसरे शोहर और रमना के सुतेले वालिद। किशोरी राव बतौर बोची, सीतम की बहन और रानी की माँ। मरी शर्मा बतौर पानी, अंबोर के वालिद और वेंकटा स्वामी के वकील। सुनील बतौर लेनन मार्किस के भाई के रोल में, जबकि वनीला किशोर बतौर बाबू पानी के मामन। राहुल रविंद्रान गोपाल रेड्डी वसुधर के गोद लिए हुए बेटे और रमना के सुतेले भाई के तौर पर। पी रवि शंकर काता माधु के तौर पर वेंकटा स्वामी के हरीफ ओपोजिशन लीडर। ब्रह्मा जी बतौर एसपी, मधुसूदन राव बतौर चेली हरिदास। अजय घोष बतौर हरिदास। अजय पैसे ते चिल्ड्रन बाबा जी, नबीना कंट्रैक्ट कत्ल। राघू बाबू बतौर बाबू जी के शोर और राजी के वालिद। माना के चचा महेश अचंता लेनन के बेटे और मारिस के भतीजे के तौर पर नजर आएंगे। और आखिर में मैं आपको बता दूँ जो आखिरी उसका मेन कुछ रोल है वो है पी साई बतौर याकूब। गाना करची माधिया पेटी में पुरीना एक ख़ास किरदार में आपको नजर आएंगी। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ट्री विक्रम, और इसके अलावा राइटर जो हैं इस मूवी के वो भी ट्री विक्रम ही हैं। प्रोड्यूस्ड बाय एस राधा कृष्णा है। मेन किरदार अदा करते आपको जो नज़र आएंगे वो महेश बाबू हैं, इसके अलावा श्रीला हैं, और इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी हैं, रमिया कृष्णा हैं, जेरम हैं, प्रकाश राज हैं, जगवती बाबू हैं, राव रमेश हैं। और सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की है महोज और पीएस विनोद। एडिट नवीन नोली की तरफ से है। म्यूज़िक जो है ना इसका तमिल जबान में है और हामिस एस ने किया है। प्रोडक्शन कंपनी हरिका एंड हसनी क्रिएट्स। रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है। रनिंग टाइम इसका 160 मिनट की
की ये कहानी है, इनके 2 घंटे 40 मिनट की ये कहानी है। कंट्री इसके इंडिया है और इस लैंग्वेज में इसको शूट किया गया, रिलीज किया गया, वो लैंग्वेज जबान है ये तेलुगु। और इस फिल्म की जो लागत आई वो 200 करोड़ की लागत आई और फिलहाल इसने बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ का बिजनेस किया है। गंटोर कारम एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की मिसाला फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी तुरु यक्रम श्रीनिवास ने की है और एस राधा कृष्णा 2024 में स्पाइस ऑफ गंडोर गंडोर कारम क्रिएशंस के जरिए प्रोड्यूस की है। इसमें महेश बाबू, श्रीला मीनाकशी चौधरी, रम्या कृष्णा, जिया राम प्रकाश राज और जगपती बाबू शामिल हैं। इस फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मई 2021 में आरजी उन्वान के तहत किया गया था क्योंकि ये महेश की मरकजी किरदार में 28वीं फिल्म और ऑफिशियल टाइटल का ऐलान मई 2023 में किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2022 में शुरू किया गया जिसकी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद में हुई और इसको लपेट दिया गया दोस्तों दिसंबर 2023 के आखिर में। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थामन एस ने तरतीब दिया है जिसकी सिनेमाग्राफी मनोज ने संभाली है और एडिटिंग नवीन नोली ने की है। कंटोर कॉरम सिंगरती के मौके पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर इसकी हिदायतकारी, स्क्रीन प्ले, प्ले प्लाट, बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक पर तनकीद करने वाले नाकदीन की जानब से मिले जुले जायजे के मुकाबले मनफी जायजे भी मिले, लेकिन महेश की कारकर्दगी को सराहा गया। ये 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्टोरी का इंतजार होता है कि मूवी की स्टोरी क्या है। उस मूवी की स्टोरी में आप देखेंगे कि गंडोर में मार्किस और लेनिन शहर के दो सबसे बड़े गुंडों ने सेतम की मर्ची फैक्ट्री को चला दिया। ये देखकर सेतम मार्किस और लेनन के पास पहुंचकर इससे सवाल करता है जबकि फैक्ट्री चल रही थी। इससे 1998 के अमल में सीतम के बहनोई ने लेनन को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन सीतम ने इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसे 12 साल तक जेल में डाल दिया गया। तहम इसका बेटा रमना जुजी तौर पर अपनी बाई आंख की बनाई खो देता है जिससे वो फैक्ट्री के धोखे के दौरान अंधा हो जाता है। इसके फौरन बाद ये देखकर के सीतम इस तरह जेल गया। इसकी बीवी और रमना की माँ विष्णुधर रमना को छोड़ने का फैसला करती है और अपने वालिद वेंगडा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंगडा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से वसनत को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी 25 देती है कि रमना वसनतधर का बेटा है और इसका मुकाबला करने के लिए वेंगटा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का फैसला किया जिसमें कहा गया है कि वो सुंदर खानदान से मुतालिक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमोलिया अमू और बालू रमना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंगटा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज करने का फैसला किया कि इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। पल्लो रमना के 23 हमदर्दी रखता है, पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में
वेंकटा स्वामी के घर जाती है और बिल्कुल वही कुछ दोबारा बनाती है जो FIR में कहा गया था। विष्णुधर फिर रमना को देखने का फैसला करती है और इससे थप्पड़ मारती है, जिससे वो दस्तावेज पर दस्तखत करती है। वापस गंडूर में काता माधु ने रमना को अपने और अपनी पार्टी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन रमना ने इसे मारा। तहम काता अपना पर्स चुराने में कामयाब हो जाता है और मीडिया के सामने जहर करता है कि वो वाकई सिद्धर का बेटा है। रिंगटा स्वामी ये देखकर रमना को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है। इसके बाद सीतम ने इंकशाफ किया कि विष्णुधु हादसे के बाद फौरी तौर पर रमना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और इससे लड़ती थी, जिसका ख्याल था कि अपनी भाभी को बचाना इनकी अवलीन तरजीह है। वो रमना को भी अपने साथ वेंकटा स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची सीतम की बहन और इसकी भाभी ने इस पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल अदालत में विष्णुधु ने बाबूजी से रमना की आंख के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर वो इसे बताती है कि इसकी आंख कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। विष्णुधु गुस्से में आया और इस कत्ल का इल्ज़ाम सीतम पर आयद करती है। ये जानकर रमना अफसुदा हो जाती है। जिल्टन बाबा जी और इनके लोग इन्हें और बल्लू को कत्ल करने की कोशिश के लिए अगवा करते। इसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि विष्णुधु के दूसरे शोहर नरिन्ना ने वेंकटा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनके आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुधु को एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इंकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर का हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। वेंकटा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंकटा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी देती है कि रमना उसंद का बेटा है। इसका मुकाबला करने के लिए वेंकटा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वो सिदर आया खानदान से मुतलक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमूल्या अमू और बालू मीना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंकटा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज कराने का फैसला किया। इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेजात पर दस्तखत कराने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। बालू रमना के लिए हमदर्दी रखता है और पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में वेंकटा स्वामी के घर जाती है। बिल्कुल वही कुछ दोबारा बताती है जो FIR में कहा गया। इसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि विष्णुधु के दूसरे शोहर नरियाक ने वेंकटा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनकी आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुधु एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इंकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधु को हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। वेंकटा स्वामी ने रमना को हरिदास को कत्ल करने के लिए राजी किया ताकि ये साबित हो सके कि वो सुधर का बेटा है। इस संबंध में वेंकटा स्वामी ने पानी से इंकशाफ किया कि इसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में CM की फैक्ट्री पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, क्योंकि विष्णुधु ने सीतम से शादी करने की वजह से इंतखाबात हारे थे।
जो कि दूसरी जात से था। जब रमना हरिदास को कत्ल करने जाता है तो इसने इंकशाफ किया कि इसने कभी काता के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी नहीं की और ये इंकशाफ हुआ कि वेंकटा स्वामी ने सब कुछ तरतीब दिया था। गोपाल रेड्डी को अगला वजीर बनाने के प्रोग्राम में नरीना ने वेंकटा स्वामी के सामने ये भी इंकशाफ किया कि गोपाल रेड्डी वसुधर का बेटा नहीं है, लेकिन इसे वसुधर ने महज वेंकटा स्वामी को बेवकूफ़ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमना को नुकसान से बचाया जा सके। जब रमना को इस बात का इल्म होता है तो वो वेंकटा स्वामी पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन वसुधर इसे रोकती है और वो दोनों गुंटूर चले जाते हैं जहां ख़ानदान को दोबारा मिलाया जाता है। ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। अब मैं आपको कास्ट की तरफ लेके चलता हूं कि इस मूवी की कास्ट क्या है, इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता है आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू बतौर वीरा वेंकटार, मना अरूफ रोटी, रमना सीतम और वसुधर के बेटे के रोल में नजर आएंगे। श्रीला बतौर अमकत अम्मू मौलिया पानी की बेटी और रमना की मोहब्बत की दिलचस्पी। मीना कशी चौधरी बतौर राजी रमना की कज़न। रमिया कृष्णन बतौर वसुधर वेंकटा स्वामी की बेटी और रमना की माँ। सितेम नरीना की बेवी वजीर कानून जयराम बतौर रॉयल सीएम विष्णुधर के पहले शोहर और रमना के वालिद। प्रकाश राज बतौर वेंकटा स्वामी वसुधर के वालिद और रमना के दादा। जगवती बाबू बतौर मार्किस एनन के भाई और सीएम के हरीफ। राव रमेश बतौर नरीना वसुधर के दूसरे शोहर और रमना के सुतेले वालिद। ईश्वरी राव बतौर बोची सीतम की बहन और रानी की माँ। मरी शर्मा बतौर पानी अंबोर के वालिद और वेंकटा स्वामी के वकील। सुनील बतौर लेनन मार्किस के भाई के रोल में, जबकि वनीला कशोर बतौर बाबू पानी के मामन। राहुल रविंद्रान गोपाल रेड्डी वसुधर के गोद लिए हुए बेटे और रमना के सुतेले भाई के तौर पर। पी रवि शंकर काता माधु के तौर पर वेंकटा स्वामी के हरीफ अपोजिशन लीडर। ब्रह्मा जी बतौर एसपी मधुसूदन राव बतौर चेली हरिदास। अजय घोष बतौर हरिदास। अजय पैसे ते चिल्ड्रन बाबा जी नबीना कंट्रैक्ट कत्ल। राघू बाबू बतौर बाबू जी के शोर और राजी के वालिद। माना के चचा महेश अचंता लेनन के बेटे और मारिस के भतीजे के तौर पर नजर आएंगे। और आखिर में आपको बता चलूँ जो आखिरी कमेंट कुछ रोल है वो है पी साई बतौर याकूब। गाना करची माधिया पेटी में पुरीना एक ख़ास किरदार में आपको नजर आएंगी। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ट्री विक्रम, और इसके अलावा राइटर जो हैं इस मूवी के वो भी ट्री विक्रम ही हैं। प्रोड्यूस्ड बाय एस राधा कृष्णा है। मेन किरदार अदा करते आपको जो नज़र आएंगे वो महेश बापू हैं, इसके अलावा श्रीला हैं, और इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी हैं, रमिया कृष्णा हैं, जयराम हैं, प्रकाश राज हैं, जगवती बाबू हैं, राव रमेश हैं। और सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की है महोज और पीएस विनोद। एडिट नवीन नोली की तरफ से है। म्यूज़िक जो है ना इसका तमिल जबान में है और हामिस एस ने किया है। प्रोडक्शन कंपनी हरिका एंड हसनी क्रिएट्स। रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है। रनिंग टाइम इसका 160 मिनट की ये कहानी है, इनके 2 घंटे 40 मिनट की ये कहानी है। कंट्री इसके इंडिया है और इस लैंग्वेज में इसको शूट किया गया, रिलीज किया गया वो लैंग्वेज जबान है ये तेलुगु। और इस फिल्म की जो लागत आई वो 200 करोड़ की लागत आई।
और फिलहाल इसने बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ का बिजनेस किया है। गंटोर कारम एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की मिसाला फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी तुरु यक्रम श्रीनिवास ने की है और एस राधा कृष्णा 2024 में स्पाइस ऑफ गंडोर गंडोर कारम क्रिएशंस के जरिए प्रोड्यूस की है। इसमें महेश बाबू, श्रीला मीना कशी चौधरी, रम्या कृष्णा, जिया राम प्रकाश राज और जगबती बाबू शामिल हैं। इस फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मई 2021 में आरजी उन्वान के तहत किया गया था क्योंकि ये महेश की मरकजी किरदार में 28वीं फिल्म और ऑफिशियल टाइटल का ऐलान मई 2023 में किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2022 में शुरू किया गया जिसकी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद में हुई और इसको लपेट दिया गया दोस्तों दिसंबर 2023 के आखिर। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थामन एस ने तरतीब दिया है जिसकी सिनेमाग्राफी मनोज ने संभाली है और एडिटिंग नवीन नोली ने की है। कंटोर कोरम सिंगरती के मौके पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर इसकी हिदायतकारी स्क्रीन प्ले प्ले प्लाट बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक पर तनकीद करने वाले नाकदीन की जानब से मिले जुले जायजे के मुकाबले मनफी जायजे भी मिली लेकिन महेश की कारकर्दगी को सराहा गया। ये 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्टोरी का इंतजार होता है कि मूवी की स्टोरी क्या है। इस मूवी की स्टोरी में आप देखेंगे कि गंडोर में मार्किस और लेनन शहर के दो सबसे बड़े गुंडों ने सेतम की मर्ची फैक्ट्री को चला दिया। ये देखकर सेतम मार्किस और लेनन के पास पहुंचकर इससे सवाल करता है जबकि फैक्ट्री चल रही थी। इससे 1998 के अमल में सीतम के बहनोई ने लेनन को कत्ल करने का फैसला किया लेकिन सीतम ने इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसे 12 साल तक जेल में डाल दिया गया। तहम इसका बेटा रमना जुजी तौर पर अपनी बाई आंख की बनाई खो देता है जिससे वो फैक्ट्री के धोखे के दौरान अंधा हो जाता है। इसके फौरन बाद ये देखकर कि सीतम किस तरह जेल गया इसकी बीवी और रमना की माँ विष्णुधर रमना को छोड़ने का फैसला करती है और अपने वालिद वेंगडा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंगडा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से वसनत को वजीर बनाया लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी 25 देती है कि रमना वसनतधर का बेटा है और इसका मुकाबला करने के लिए वेंगडा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का फैसला किया जिसमें कहा गया है कि वो सुंदर खानदान से मुतालिक नहीं है जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता आगे पीछे अमोलिया अमू और बालू रमना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंगडा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज करने का फैसला किया कि इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। पल्लो रमना के 23 हमदर्दी रखता है पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में वेंगडा स्वामी के घर जाती है और बिल्कुल वही कुछ दोबारा बनाती है जो FIR में कहा गया था। विष्णुधर फिर रमना को देखने का फैसला करती है और इसे थप्पड़ मारती है जिससे वो दस्तावेज पर
दस्तखत करती है। वापस गंडूर में काता माधु ने रमना को अपने और अपनी पार्टी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन रमना ने इसे मारा। तहम काता अपना पर्स चुराने में कामयाब हो जाता है और मीडिया के सामने जहर करता है कि वो वाकई सिद्धर का बेटा है। रिंगटा स्वामी ये देखकर रमना को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है। इसके बाद सीतम ने इंकशाफ किया कि वसनुदु हादसे के बाद फौरी तौर पर रमना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और इससे लड़ती थी, जिसका ख्याल था कि अपनी भाभी को बचाना इनकी अवलीन तरजीह है। वो रमना को भी अपने साथ विनगटा स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची सीतम की बहन और इसकी भाभी ने इस पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल अदालत में विष्णुदूर ने बाबूजी से रमना की आंख के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर वो इसे बताती है कि इसकी आंख कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। विष्णुदूर गुस्से में आया और इस कत्ल का इल्ज़ाम सीतम पर आयद करती है। ये जानकर रमना अफसुदा हो जाती है। जिल्टन बाबा जी और इनके लोग इन्हें और बल्लू को कत्ल करने की कोशिश के लिए अगवा करते हैं। इसके बाद ये इनकशाफ हुआ कि विष्णुदु के दूसरे शोहर नरिन्ना ने विनगडा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनके आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुदुर को एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुदुर को हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगटा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद विनगटा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी देती है कि रमना उसन का बेटा है। इसका मुकाबला करने के लिए विनगटा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वो सिदर आया खानदान से मुतलक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमूल्या अमू और बालू मीना से दस्तावेज प्रदर्शित कराने की कोशिश कर रहे हैं। विनगटा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज कराने का फैसला किया। इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेजात पर दस्तखत कराने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। बालू रमना के लिए हमदर्दी रखता है और पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में विनगटा स्वामी के घर जाती है। बिल्कुल वही कुछ दोबारा बताती है जो FIR में कहा गया। इसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि विष्णुदूर के दूसरे शोहर नरियाक ने विनगटा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनकी आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुधर एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इंकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर को हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगटा स्वामी ने रमना को हरिदास को कत्ल करने के लिए राजी किया ताकि ये साबित हो सके कि वो सुधर का बेटा है। इस अमल में विनगटा स्वामी ने पानी से इनकशाफ किया कि इसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में CM की फैक्ट्री पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, क्योंकि विष्णुदूर ने सीतम से शादी करने की वजह से इंतखाबात हारे थे, जो कि दूसरी जात से था। जब रमना हरिदास को कत्ल करने जाता है तो इसने इनकशाफ किया कि इसने कभी काता के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी नहीं की।
और ये इंकशाफ हुआ कि वेंकटा स्वामी ने सब कुछ तरतीब दिया था। गोपाल रेड्डी को अगला वजीर बनाने के प्रोग्राम में नरीना ने वेंकटा स्वामी के सामने ये भी इंकशाफ किया कि गोपाल रेड्डी वसुधर का बेटा नहीं है, लेकिन इसे वसुधर ने महज वेंकटा स्वामी को बेवकूफ़ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमना को नुकसान से बचाया जा सके। जब रमना को इस बात का इल्म होता है तो वो वेंकटा स्वामी पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन वसुधर इसे रोकती है और वो दोनों गुंटूर चले जाते हैं जहां ख़ानदान को दोबारा मिलाया जाता है। ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। अब मैं आपको कास्ट की तरफ लेके चलता हूँ कि इस मूवी की कास्ट क्या है, इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता है आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू बतौर वीरा वेंकटार, मना अरूफ रोटी, रमना सीतम और वसुधर के बेटे के रोल में नजर आएंगे। श्रीला बतौर अमकत, अम्मू मौलिया पानी की बेटी और रमना की मोहब्बत की दिलचस्पी। मीना कशी चौधरी बतौर राजी, रमना की कज़न। रमिया कृष्णन बतौर वसुधर, वेंकटा स्वामी की बेटी और रमना की माँ। सितेम नरीना की बेवी, वजीर कानून जय राम बतौर रॉयल, सीएम विष्णुधर के पहले शोहर और रमना के वालिद। प्रकाश राज बतौर वेंकटा स्वामी, वसुधर के वालिद और रमना के दादा। जगवती बाबू बतौर मार्किस एनन के भाई और सीएम के हरीफ। राव रमेश बतौर नरीना, वसुधर के दूसरे शोहर और रमना के सुतेले वालिद। ईश्वरी राव बतौर बोची सीतम की बहन और रानी की माँ। मरी शर्मा बतौर पानी अंबोर के वालिद और वेंकटा स्वामी के वकील। सुनील बतौर लेनन मार्किस के भाई के रोल में, जबकि वनीला किशोर बतौर बाबू पानी के मामन। राहुल रविंद्रान गोपाल रेड्डी वसुधर के गोद लिए हुए बेटे और रमना के सुतेले भाई के तौर पर। पी रवि शंकर काता माधु के तौर पर वेंकटा स्वामी के हरीफ अपोजिशन लीडर। ब्रह्मा जी बतौर एसपी, मधुसूदन राव बतौर चेली हरिदास। अजय घोष बतौर हरिदास। अजय पैसे ते चिल्ड्रन बाबा जी। नबीना कंट्रैक्ट कतल। राघु बाबू बतौर बाबू जी के शोर और राजी के वालिद। माना के चचा महेश अचंता लेनन के बेटे और मारिस के भतीजे के तौर पर नजर आएंगे। और आखिर में आपको बता चलूँ जो आखिरी का मेन कुछ रोल है वो है पी साई बतौर याकूब। गाना करची माधिया बेटी में पुरीना एक ख़ास किरदार में आपको नजर आएंगी। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ट्री विक्रम, और इसके अलावा राइटर जो हैं इस मूवी के वो भी ट्री विक्रम ही हैं। प्रोड्यूस्ड बाय एस राधा कृष्णा है। मेन किरदार अदा करते हैं आपको जो नज़र आएंगे वो महेश बाबू हैं, इसके अलावा श्रीला हैं, और इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी हैं, रमिया कृष्णा हैं, जेरम हैं, प्रकाश राज हैं, जगवती बाबू हैं, राव रमेश हैं। और सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की है महोज और पीएस विनोद। एडिट नवीन नोली की तरफ से है। म्यूज़िक जो है ना इसका तमिल जबान में है और थॉमस एस ने किया है। प्रोडक्शन कंपनी हरिका एंड हसनी क्रिएट्स। रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है। रनिंग टाइम इसका 160 मिनट की ये कहानी है, इनके 2 घंटे 40 मिनट की ये कहानी है। कंट्री इसके इंडिया है और इस लैंग्वेज में इसको शूट किया गया, रिलीज किया गया वो लैंग्वेज जबान है जी तेलुगु। और इस फिल्म की जो लागत आई वो 200 करोड़ की लागत आई और फिलहाल इसने बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ का बिजनेस किया है। गंडोर कारम एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की मिसाला फिल्म है।
जिसकी तहरीर और हिदायतकारी तुरु यक्रम श्री नवास ने की है और एस राधा कृष्णा 2024 में स्पाइस ऑफ कंटोर कंटोर कारम क्रिश्चन्स के जरिए प्रोड्यूस की है। इसमें महेश बाबू, श्रीला मीनाकशी चौधरी, रम्या कृष्णा, जिया राम प्रकाश राज और जगबती बाबू शामिल हैं। इस फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मई 2021 में आरजी उन्वान के तहत किया गया था, क्योंकि ये महेश की मरकजी किरदार में 28वीं फिल्म और ऑफिशियल टाइटल का ऐलान मई 2023 में किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2022 में शुरू किया गया, जिसकी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद में हुई और इसको लपेट दिया गया दोस्तों दिसंबर 2023 के आखिर में। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थामन एस ने तरतीब दिया है, जिसकी सिनेमाग्राफी मनोज ने संभाली है और एडिटिंग नवीन नोली ने की है। कंटोर कोरम सिंगरती के मौके पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर इसकी हिदायतकारी, स्क्रीन प्ले, प्ले प्लाट, बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक पर तनकीद करने वाले नाकदीन की जानब से मिले जुले जायजे के मुकाबले मनफी जायजे भी मिले, लेकिन महेश की कारकर्दगी को सराहा गया। ये 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्टोरी का इंतजार होता है कि मूवी की स्टोरी क्या है। उस मूवी की स्टोरी में आप देखेंगे कि गंडोर में मार्किस और लेनन शहर के दो सबसे बड़े गुंडों ने सेतम की मर्ची फैक्ट्री को चला दिया। ये देखकर सेतम मार्किस और लेनन के पास पहुंचकर इससे सवाल करता है, जबकि फैक्ट्री चल रही थी। इससे 1998 के अमल में सीतम के बहनोई ने लेनन को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन सीतम ने इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसे 12 साल तक जेल में डाल दिया गया। तहम इसका बेटा रमना जुजी तौर पर अपनी बाई आंख की बनाई खो देता है, जिससे वो फैक्ट्री के धोखे के दौरान अंधा हो जाता है। इसके फौरन बाद ये देखकर के सीतम इस तरह जेल गया। इसकी बीवी और रमना की माँ विष्णुधर रमना को छोड़ने का फैसला करती है और अपने वालिद वेंगडा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंगडा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुत को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी 25 देती है कि रमना विष्णुधर का बेटा है और इसका मुकाबला करने के लिए वेंगडा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया है कि वो सुंदर खानदान से मुतालिक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमोलिया अमू और बालू रमना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंगडा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया कि इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। पल्लो रमना के 23 हमदर्दी रखता है, पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में वेंगडा स्वामी के घर जाती है और बिल्कुल वही कुछ दोबारा बनाती है जो एफआईआर में कहा गया था। विष्णुधर फिर रमना को देखने का फैसला करती है और इसे थप्पड़ मारती है, जिससे वो दस्तावेज पर दस्तखत करती है। वापस गंडूर में काता माधु ने रमना को अपने और अपनी पार्टी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन रमना ने इसे मारा। तहम काता
अपना पर्स चुराने में कामयाब हो जाता है और मीडिया के सामने जहर करता है कि वो वाकई सिदर का बेटा है। रिनगड्डा स्वामी ये देखकर रमना को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है। इसके बाद सीतम ने इंकशाफ किया कि हुस्नुद्दु हादसे के बाद फौरी तौर पर रमना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और इससे लड़ती थी, जिसका ख्याल था कि अपनी भाभी को बचाना इनकी अवलीन तरजीह है। वो रमना को भी अपने साथ विनगटा स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची सीतम की बहन और इसकी भाभी ने इस पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल अदालत में हुस्नुद्दीन ने बाबूजी से रमना की आंख के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर वो इसे बताती है कि इसकी आंख कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। हुस्नुद्दीन गुस्से में आया और इस कत्ल का इल्ज़ाम सीतम पर आयद करती है। ये जानकर रमना अफसुदा हो जाती है। जिल्टन बाबा जी और इनके लोग इन्हें और बल्लू को कत्ल करने की कोशिश के लिए अगवा करते हैं। इसके बाद ये इनकशाफ हुआ कि हुस्नुद्दीन के दूसरे शोहर नरीना ने विनगड्डा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनके आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुदुर को एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुदुर का हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगट्टा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद विनगट्टा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा मधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी देती है कि रमना उसंद का बेटा है। इसका मुकाबला करने के लिए विनगट्टा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वो सिदर आया खानदान से मुतलक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमूल्या अमू और बालू मीना से दस्तावेज प्रदर्शित कराने की कोशिश कर रहे हैं। विनगट्टा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज कराने का फैसला किया। इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेजात पर दस्तखत कराने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। बालू रमना के लिए हमदर्दी रखता है और पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में विनगट्टा स्वामी के घर जाती है। बिल्कुल वही कुछ दोबारा बताती है जो FIR में कहा गया। इसके बाद ये इनकशाफ हुआ कि विष्णुदुर के दूसरे शोहर नरियाक ने विनगट्टा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनकी आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुदुर एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर को हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगट्टा स्वामी ने रमना को हरिदास को कत्ल करने के लिए राजी किया ताकि ये साबित हो सके कि वो सुधर का बेटा है। इस अमल में विनगट्टा स्वामी ने पानी से इनकशाफ किया कि इसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में CM की फैक्ट्री पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, क्योंकि विष्णुदुर ने सीतम से शादी करने की वजह से इंतखाबात हारे थे, जो कि दूसरी जात से था। जब रमना हरिदास को कत्ल करने जाता है तो इसने इनकशाफ किया कि इसने कभी काता के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी नहीं की और ये इनकशाफ हुआ कि विनगट्टा स्वामी ने सब कुछ तरतीब दिया था। गोपाल रेड्डी को अगला वजीर बनाने के प्रोग्राम में नरीना ने विनगट्टा स्वामी के सामने ये भी इनकशाफ किया कि
गोपाल रेड्डी वसुधर का बेटा नहीं है, लेकिन इसे वसुधर ने महज विनगट्टा स्वामी को बेवकूफ़ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमना को नुकसान से बचाया जा सके। जब रमना को इस बात का इल्म होता है तो वो विनगट्टा स्वामी पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन सुधर इसे रोकती है और वो दोनों गुंटूर चले जाते हैं जहां ख़ानदान को दोबारा मिलाया जाता है। ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। अब मैं आपको कास्ट की तरफ लेके चलता हूं कि इस मूवी की कास्ट क्या है, इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता है आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू बतौर वीरा वनगड्डार मना अरूफ रोटी रमना सीतम और मसूदर के बेटे के रोल में नजर आएंगे। श्रीला बतौर अमकत अम्मू मौलिया पानी की बेटी और रमना की मोहब्बत की दिलचस्पी। मीना कशी चौधरी बतौर राजी रमना की कज़न। रमिया कृष्णन बतौर वसुधर वनगड्डा स्वामी की बेटी और रमना की माँ। सितेम नरीना की बेबी वजीर कानून जे राम बतौर रॉयल सीएम विष्णुधर के पहले शोहर और रमना के वालिद। प्रकाश राज बतौर विनगट्टा स्वामी वसुधर के वालिद और रमना के दादा। जगवती बाबू बतौर मार्कस लेनन के भाई और सीएम के हरीफ। राव रमेश बतौर नरीना वसुधर के दूसरे शोहर और रमना के सुतेले वालिद। ईश्वरी राव बतौर बोची सीतम की बहन और रानी की माँ। मरी शर्मा बतौर पानी अंबोर के वालिद और विनगट्टा स्वामी के वकील। सनील बतौर लेनन मार्किस के भाई के रोल में, जबकि वनीला कशोर बतौर बाबू पानी के मामन। राहुल रविंद्रान गोपाल रेड्डी वसुधर के गोद लिए हुए बेटे और रमना के सुतेले भाई के तौर पर। पी रविशंकर काथा माधु के तौर पर विनगट्टा स्वामी के हरीफ अपोजिशन लीडर। ब्रह्मा जी बतौर एस पी मधुसूदन राव बतौर चेरी हरिदास। अजय घोष बतौर हरिदास। अजय पैसे ते चिल्ड्रन बाबा जी नबीना कंट्रैक्ट कत्ल। राघु बाबू बतौर बाबू जी के शोर और राजी के वालिद। माना के चचा महेश अचंता लेनन के बेटे और मारिस के भतीजे के तौर पर नजर आएंगे। और आखिर में मैं आपको बता चलूँ जो आखिरी उसका मेन कुछ रोल है वो है पी साई बतौर याकूब। गाना करची माधिया पेटी में पुरीना एक ख़ास किरदार में आपको नजर आएंगी। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ट्री विक्रम, और इसके अलावा और राइटर जो हैं इस मूवी के वो भी ट्री विक्रम ही हैं। प्रोड्यूस्ड बाय एस राधा कृष्णा है। मेन किरदार अदा करते आपको जो नज़र आएंगे वो महेश बाबू हैं, इसके अलावा श्रीला हैं, और इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी हैं, रमिया कृष्णा हैं, जेरम हैं, प्रकाश राज हैं, जगवती बाबू हैं, राव रमेश हैं। और सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की है महोज और पीएस विनोद। एडिट नवीन नोली की तरफ से है। म्यूज़िक जो है ना इसका तमिल जबान में है और थॉमस एस ने किया है। प्रोडक्शन कंपनी हरिका एंड हसनी क्रिएट्स। रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है। रनिंग टाइम इसका 160 मिनट की ये कहानी है, इनके 2 घंटे 40 मिनट की ये कहानी है। कंट्री इसके इंडिया है और इस लैंग्वेज में इसको शूट किया गया, रिलीज किया गया वो लैंग्वेज जबान है ये तेलुगु। और इस फिल्म की जो लागत आई वो 200 करोड़ की लागत आई और फिलहाल इसने बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ का बिजनेस किया है। गंटोर कारम एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की मिसाला फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी त्रोयक्रम श्रीनिवास ने की है और एस राधा कृष्णा 2024 में स्पाइस ऑफ गंटोर गंटोर कारम क्रिएशंस के जरिए प्रोड्यूस की है। इसमें महेश बाबू श्रीला
मीनाक्षी चौधरी, रम्या कृष्णा, जिया राम प्रकाश राज और जगपती बापू शामिल हैं। इस फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मई 2021 में आरजी उन्वान के तहत किया गया था, क्योंकि ये महेश की मरकजी किरदार में 28वीं फिल्म और ऑफिशियल टाइटल का ऐलान मई 2023 में किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2022 में शुरू किया गया, जिसकी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद में हुई और इसको लपेट दिया गया दोस्तों दिसंबर 2023 के आखिर में। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थामन एस ने तरतीब दिया है, जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनोज ने संभाली है और एडिटिंग नवीन नोली ने की है। कंटोर कोरम सिंगरती के मौके पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर इसकी हिदायतकारी, स्क्रीन प्ले, प्ले प्लाट, बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक पर तनकीद करने वाले नाकदीन की जानब से मिले जुले जायजे के मुकाबले मनफी जायजे भी मिले, लेकिन महेश की कारकर्दगी को सराहा गया। ये 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्टोरी का इंतज़ार होता है कि मूवी की स्टोरी क्या है। इस मूवी की स्टोरी में आप देखेंगे कि गंडोर में मार्किस और लेनन शहर के दो सबसे बड़े गुंडों ने सेतम की मर्ची फैक्ट्री को चला दिया। ये देखकर सेतम मार्किस और लेनन के पास पहुंचकर इससे सवाल करता है, जबकि फैक्ट्री चल रही थी। इससे 1998 के अमल में सीतम के बहनोई ने लेनन को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन सीतम ने इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसे 12 साल तक जेल में डाल दिया गया। तहम इसका बेटा रमना जुजी तौर पर अपनी बाई आंख की बनाई खो देता है, जिससे वो फैक्ट्री के धोखे के दौरान अंधा हो जाता है। इसके फौरन बाद ये देखकर के सीतम इस तरह जेल गया। इसकी बीवी और रमना की माँ विष्णुधर रमना को छोड़ने का फैसला करती है और अपने वालिद वेंगडा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंगडा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी 25 देती है कि रमना विष्णुधर का बेटा है और इसका मुकाबला करने के लिए वेंगडा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया है कि वो सुंदर खानदान से मुतालिक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमोलिया अमू और बालू रमना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंगडा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज करने का फैसला किया कि इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। पल्लो रमना के 23 हमदर्दी रखता है, पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में वेंगडा स्वामी के घर जाती है और बिल्कुल वही कुछ दोबारा बनाती है जो FIR में कहा गया था। विष्णुधर फिर रमना को देखने का फैसला करती है और इसे थप्पड़ मारती है, जिससे वो दस्तावेज पर दस्तखत करती है। वापस गंडूर में काता माधु ने रमना को अपने और अपनी पार्टी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन रमना ने इसे मारा। तहम काता अपना पर्स चुराने में कामयाब हो जाता है और मीडिया के सामने जहर करता है कि वो वाकई सिधर का बेटा है। रिंगटा स्वामी ये देखकर रमना को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है।
इसके बाद सीतम ने इंकशाफ किया कि वसनुदु हादसे के बाद फौरी तौर पर रमना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और इससे लड़ती थी, जिसका ख्याल था कि अपनी भाभी को बचाना इनकी अवलीन तरजीह है। वो रमना को भी अपने साथ विंगटा स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची सीतम की बहन और इसकी भाभी ने इस पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल अदालत में वसनुदुर ने बाबूजी से रमना की आंख के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर वो इसे बताती है कि इसकी आंख कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। वसनुदुर गुस्से में आया और इस कत्ल का इल्ज़ाम सीतम पर आयद करती है। ये जानकर रमना अफसुदा हो जाती है। जिल्टन बाबा जी और इनके लोग इन्हें और बल्लू को कत्ल करने की कोशिश के लिए अगवा करते। इसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि वसनुदुर के दूसरे शोहर नरिन्ना ने विनगड्डा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनके आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह वसनुदुर को एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इंकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर का हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगट्टा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद विनगट्टा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा मधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी देती है कि रमना वसुंद का बेटा है। इसका मुकाबला करने के लिए विनगट्टा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने का फैसला किया। इसमें कहा गया कि वो सिदर आया ख़ानदान से मुतलक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमूल्या अमू और बालू मीना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। विनगट्टा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज कराने का फैसला किया। इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेजात पर दस्तखत कराने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। बालू रमना के लिए हमदर्दी रखता है और पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में विनगट्टा स्वामी के घर जाती है। बिल्कुल वही कुछ दोबारा बताती है जो FIR में कहा गया। इसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि वसनुदुर के दूसरे शोहर नरियाक ने विनगट्टा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनकी आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुधर एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इंकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर को हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगट्टा स्वामी ने रमना को हरिदास को कत्ल करने के लिए राजी किया ताकि ये साबित हो सके कि वो सुधर का बेटा है। इस अमल में विनगट्टा स्वामी ने पानी से इंकशाफ किया कि इसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में CM की फैक्ट्री पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, क्योंकि विष्णुदुर ने सीतम से शादी करने की वजह से इंतखाबात हारे थे, जो कि दूसरी जात से था। जब रमना हरिदास को कत्ल करने जाता है तो इसने इंकशाफ किया कि इसने कभी काता के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी नहीं की और ये इंकशाफ हुआ कि विनगट्टा स्वामी ने सब कुछ तरतीब दिया था। गोपाल रेड्डी को अगला वजीर बनाने के प्रोग्राम में नरिन्ना ने विनगट्टा स्वामी के सामने ये भी इंकशाफ किया कि गोपाल रेड्डी वसनुदुर का बेटा नहीं है, लेकिन इसे वसनुदुर ने महज विनगट्टा स्वामी को बेवकूफ़ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमना को नुकसान से बचाया जा सके। जब रमना को इस बात का इल्म होता है तो वो
विनगट्टा स्वामी पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन सुदर इसे रोकती है और वो दोनों गुंटूर चले जाते हैं जहां ख़ानदान को दोबारा मिलाया जाता है। यह है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। अब मैं आपको कास्ट की तरफ लेके चलता हूं कि इस मूवी की कास्ट क्या है, इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता है आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू बतौर वीरा वनगड्डार मना अरूफ रोटी रमना सीतम और मसूदर के बेटे के रोल में नजर आएंगे। श्रीला बतौर अमकत अम्मू मौलिया पानी की बेटी और रमना की मोहब्बत की दिलचस्पी। मीना कशी चौधरी बतौर राजी रमना की कज़न। रमिया कृष्णन बतौर वसुधर वनगड्डा स्वामी की बेटी और रमना की माँ। सितेम नरीना की बेवी वजीर कानून जय राम बतौर रॉयल सीएम विष्णुधर के पहले शोर और रमना के वालिद। प्रकाश राज बतौर वनगड्डा स्वामी विष्णुधर के वालिद और रमना के दादा। जगवती बाबू बतौर मार्किस लेनन के भाई और सीएम के हरीफ। राव रमेश बतौर नरीना वसुधर के दूसरे शोहर और रमना के सतेले वालिद। ईशोरी राव बतौर बोची सीतम की बहन और रानी की माँ। मरी शर्मा बतौर पानी अंबोर के वालिद और वेनगट्टा स्वामी के वकील। सुनील बतौर लेनन मार्किस के भाई के रोल में, जबकि वनीला कशोर बतौर बाबू पानी के मामन। राहुल रविंद्रान गोपाल रेड्डी वसुधर के गोद लिए हुए बेटे और रमना के सुतेले भाई के तौर पर। पी रवि शंकर काता माधु के तौर पर वेनगट्टा स्वामी के हरीफ अपोजिशन लीडर। ब्रह्मा जी बतौर एस पी मधुसूदन राव बतौर चेली हरिदास। अजय घोष बतौर हरिदास अजय पैसे ते चिल्ड्रन बाबा जी नबीना कंट्रैक्ट कतल। राघु बाबू बतौर बाबू जी के शोर और राजी के वालिद। माना के चचा महेश अचंता लेनन के बेटे और मारिस के भतीजे के तौर पर नजर आएंगे। और आखिर में आपको चलूँ जो आखिरी उसका मेन कुछ रोल है वो है पी साई बतौर याकूब। गाना करची माधिया पेटी में पुरीना एक ख़ास किरदार में आपको नज़र आएंगी। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ट्री विक्रम, और इसके अलावा और राइटर जो हैं इस मूवी के वो भी ट्री विक्रम ही हैं। प्रोड्यूस्ड बाय एस राधा कृष्णा है। मेन किरदार अदा करते हैं आपको जो नज़र आएंगे वो महेश बापू हैं, इसके अलावा श्रीला हैं, और इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी हैं, रमिया कृष्णा हैं, जेरम हैं, प्रकाश राज हैं, जगवती बाबू हैं, राव रमेश हैं, और सेनोग्राफी इस मूवी की है महोज और पीएस विनोद। एडिट नवीन नोली की तरफ से है। म्यूज़िक जो है ना इसका तमिल जबान में है और थॉमस एस ने किया है। प्रोडक्शन कंपनी हरिका एंड हसनी क्रिएट्स। रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है। रनिंग टाइम इसका 160 मिनट की ये कहानी है, इनके 2 घंटे 40 मिनट की ये कहानी है। कंट्री इसके इंडिया है और इस लैंग्वेज में इसको शूट किया गया, रिलीज किया गया वो लैंग्वेज जबान है जी तेलुगु। और इस फिल्म की जो लागत आई वो 200 करोड़ की लागत आई और फिलहाल इसने बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ का बिजनेस किया है। गंटोर कारम एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की मिसाला फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी त्रोयक्रम श्रीनिवास ने की है और एस राधा कृष्णा 2024 में स्पाइस ऑफ गंटोर गंटोर कारम क्रिएशंस के जरिए प्रोड्यूस की है। इसमें महेश बाबू श्रीला मीना कशी चौधरी रमिया कृष्णा जिया राम प्रकाश राज और जगवती बापू शामिल हैं। इस फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मई 2021 में आरजी उन्वान के तहत किया गया था क्योंकि ये महेश की मरकजी किरदार में 28वीं फिल्म
और ऑफिशियल टाइटल का ऐलान मई 2023 में किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2022 में शुरू किया गया, जिसकी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद में हुई और इसको लपेट दिया गया दोस्तों दिसंबर 2023 के आखिर। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थामन एस ने तरतीब दिया है, जिसकी सिनेमाग्राफी मनोज ने संभाली है और एडिटिंग नवीन नोली ने की है। कंटोर कोरम सिंगरती के मौके पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर इसकी हिदायतकारी, स्क्रीन प्ले, प्ले प्लाट, बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक पर तनकीद करने वाले नाकदीन की जानब से मिले जुले जायजे के मुकाबले मनफी जायजे भी मिली, लेकिन महेश की कारकर्दगी को सराहा गया। ये 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्टोरी का इंतजार होता है कि मूवी की स्टोरी क्या है। उस मूवी की स्टोरी में आप देखेंगे कि गंडोर में मार्किस और लेनन शहर के दो सबसे बड़े गुंडों ने सेतम की मर्ची फैक्ट्री को चला दिया। ये देखकर सेतम मार्किस और लेनन के पास पहुंचकर इससे सवाल करता है, जबकि फैक्ट्री चल रही थी। इससे 1998 के अमल में सीतम के बहनोई ने लेनन को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन सीतम ने इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसे 12 साल तक जेल में डाल दिया गया। तहम इसका बेटा रमना जुजी तौर पर अपनी बाई आंख की पहनाई खो देता है, जिससे वो फैक्ट्री के धोखे के दौरान अंधा हो जाता है। इसके फौरन बाद ये देखकर कि सीतम इस तरह जेल गया, इसकी बीवी और रमना की माँ विष्णुधर रमना को छोड़ने का फैसला करती है और अपने वालिद वेंगडा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंगडा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी 25 देती है कि रमना विष्णुधर का बेटा है और इसका मुकाबला करने के लिए वेंगडा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया है कि वो सुंदर खानदान से मुतालिक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमोलिया अमूद और बालू रमना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंगडा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज करने का फैसला किया कि इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। पल्लो रमना के 23 हमदर्दी रखता है, पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में वेंगडा स्वामी के घर जाती है और बिल्कुल वही कुछ दोबारा बनाती है जो FIR में कहा गया था। विष्णुधर फिर रमना को देखने का फैसला करती है और इसे थप्पड़ मारती है, जिससे वो दस्तावेज पर दस्तखत करती है। वापस गंडूर में काता माधु ने रमना को अपने और अपनी पार्टी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन रमना ने इसे मारा। तहम काता अपना पर्स चुराने में कामयाब हो जाता है और मीडिया के सामने जहर करता है कि वो वाकई सिधर का बेटा है। रिंगडा स्वामी ये देखकर रमना को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है। इसके बाद सीतम ने इंकशाफ किया कि विष्णुधु हादसे के बाद फौरी तौर पर रमना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और इससे लड़ती थी, जिसका ख्याल था कि अपनी भाभी को बचाना इनकी अवलीन तरजीह है। वो रमना को भी अपने साथ
विंगडा स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची सीतम की बहन और इसकी भाभी ने इस पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल अदालत में हुस्नुद्दीन ने बाबूजी से रमना की आंख के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर वो इसे बताती है कि इसकी आंख कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। सुनदूर गुस्से में आया और इस कत्ल का इल्ज़ाम सीतम पर आयद करती है। ये जानकर रमना अफसुदा हो जाती है। चिल्टन बाबा जी और इनके लोग इन्हें और बल्लू को कत्ल करने की कोशिश के लिए अगवा करते हैं। इसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि हुस्नुद्दीन के दूसरे शोहर नरीना ने विंगडा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनके आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुदुर को एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुदुर का हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विंगट्टा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद विंगट्टा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा मधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी देती है कि रमना उसंद का बेटा है। इसका मुकाबला करने के लिए विंगट्टा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वो सिदर आया खानदान से मुतलक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमूल्या अमू और बालू मीना से दस्तावेज प्रदर्शित कराने की कोशिश कर रहे हैं। विंगट्टा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज कराने का फैसला किया। इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेजात पर दस्तखत कराने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। बालू रमना के लिए हमदर्दी रखता है और पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में विंगट्टा स्वामी के घर जाती है। बिल्कुल वही कुछ दोबारा बताती है जो FIR में कहा गया। इसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि विष्णुदूर के दूसरे शोहर नरियाक ने विंगट्टा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनकी आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुधर एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर को हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विंगट्टा स्वामी ने रमना को हरिदास को कत्ल करने के लिए राजी किया ताकि ये साबित हो सके कि वो सुधर का बेटा है। इस संबंध में विंगट्टा स्वामी ने पानी से इनकशाफ किया कि इसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में CM की फैक्ट्री पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, क्योंकि विष्णुदूर ने सीतम से शादी करने की वजह से इंतखाबात हारे थे, जो कि दूसरी जात से था। जब रमना हरिदास को कत्ल करने जाता है तो इसने इनकशाफ किया कि इसने कभी काता के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी नहीं की और ये इनकशाफ हुआ कि विंगट्टा स्वामी ने सब कुछ तरतीब दिया था। गोपाल रेड्डी को अगला वजीर बनाने के प्रोग्राम में नरीना ने विंगट्टा स्वामी के सामने ये भी इनकशाफ किया कि गोपाल रेड्डी हुस्नुद्दीन का बेटा नहीं है, लेकिन इसे हुस्नुद्दीन ने महज विंगट्टा स्वामी को बेवकूफ़ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमना को नुकसान से बचाया जा सके। जब रमना को इस बात का इल्म होता है तो वो विंगट्टा स्वामी पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन सुधर इसे रोकती है और वो दोनों गुंटूर चले जाते हैं, जहां ख़ानदान को दोबारा मिलाया जाता है। यह चीज़
मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। अब मैं आपको कास्ट की तरफ लेके चलता हूँ कि इस मूवी की कास्ट क्या है, इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू बतौर वीरा वन गड्डार मना अरुफ रोटी रमना सीतम और मसूदर के बेटे के रोल में नजर आएंगे। श्रीला बतौर अमकत अम्मू मौलिया पानी की बेटी और रमना की मोहब्बत की दिलचस्पी। मीनाक्षी चौधरी बतौर राजी रमना की कजन। रमिया कृष्णन बतौर वसुधर वनगड्डा स्वामी की बेटी और रमना की माँ। सितेम नरीना की बेवी वजीर कानून जय राम बतौर रॉयल सीएम विष्णुधर के पहले शोहर और रमना के वालिद। प्रकाश राज बतौर वनगड्डा स्वामी वसुधर के वालिद और रमना के दादा। जगवती बाबू बतौर मार्किस लेनन के भाई और सीएम के हरीफ। राव रमेश बतौर नरीना वसुधर के दूसरे शोहर और रमना के सतेले वालिद। ईश्वरी राव बतौर बोची सीतम की बहन और रानी की माँ। मरी शर्मा बतौर पानी अंबोर के वालिद और वेनगट्टा स्वामी के वकील। सुनील बतौर लेनन मार्किस के भाई के रोल में, जबकि वनीला किशोर बतौर बाबू पानी के मामन। राहुल रविंद्रान गोपाल रेड्डी वसुधर के गोद लिए हुए बेटे और रमना के सुतेले भाई के तौर पर। पी रवि शंकर काता माधु के तौर पर वेनगट्टा स्वामी के हरीफ अपोजिशन लीडर। ब्रह्मा जी बतौर एस पी मधुसूदन राव बतौर चेरी हरिदास। अजय घोष बतौर हरिदास अजय पैसे ते चिल्ड्रन बाबा जी नबीना कंट्रैक्ट कत्ल। राघु बाबू बतौर बाबू जी के शोर और राजी के वालिद राम माना के चचा। महेश अचंता लेनन के बेटे और मारिस के भतीजे के तौर पर नजर आएंगे। और आखिर में मैं आपको बता दूँ जो आखिरी उसका मेन कुछ रोल है वो है पी साई बतौर याकूब गाना करची माधिया पेटी में पुरीना एक ख़ास किरदार में आपको नजर आएंगी। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ट्री विक्रम और इसके अलावा और राइटर जो हैं इस मूवी के वो भी ट्री विक्रम ही हैं। प्रोड्यूस्ड बाई एस राधा कृष्णा है। मेन किरदार अदा करते आपको जो नजर आएंगे वो महेश बापू हैं। इसके अलावा श्रीला हैं और इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी हैं। रमिया कृष्णा हैं। जेरम हैं। प्रकाश राज हैं। जगवती बाबू हैं। राव रमेश हैं। और सेमनोग्राफी इस मूवी की है महोज और पीएस विनोद। एडिट नवीन नोली की तरफ से है। म्यूज़िक जो है ना इसका तमिल जबान में है और थॉमस एस ने किया है। प्रोडक्शन कंपनी हरिका एंड हसनी क्रिएट्स। रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है। रनिंग टाइम इसका 160 मिनट की ये कहानी है। इनके 2 घंटे 40 मिनट की ये कहानी है। कंट्री इसके इंडिया है और इस लैंग्वेज में इसको शूट किया गया रिलीज किया गया वो लैंग्वेज जबान है ये तेलुगु। और इस फिल्म की जो लागत आई वो 200 करोड़ की लागत आई और फिलहाल इसने बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ का बिजनेस किया है। गंटोर कारम एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की मिसाला फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी तुरु यक्रम श्रीनिवास ने की है और एस राधा कृष्णा 2024 में स्पाइस ऑफ गंटोर गंटोर कारम क्रिएशंस के जरिए प्रोड्यूस की है। इसमें महेश बाबू श्रीला मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णा जिया राम प्रकाश राज और जगवती बाबू शामिल हैं। इस फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मई 2021 में आरजी उन्वान के तहत किया गया था क्योंकि ये महेश की मरकजी किरदार में 28वीं फिल्म है और ऑफिशियल टाइटल का ऐलान मई 2023 में किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2022 में शुरू किया गया जिसकी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद में हुई और इसकी लपेट
और इसको लपेट दिया गया दोस्तों दिसंबर 2023 के आखिर। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थामन एस ने तरतीब दिया है, जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनोज ने संभाली है और एडिटिंग नवीन नोली ने की है। कंटोर कोरम सिंगरति के मौके पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर इसकी हिदायतकारी, स्क्रीन प्ले, प्लाट, बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक पर तनकीद करने वाले नाकदीन की जानब से मिले जुले जायजे के मुकाबले मनफी जायजे भी मिले, लेकिन महेश की कारकर्दगी को सराहा गया। ये 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्टोरी का इंतजार होता है कि मूवी की स्टोरी क्या है। उस मूवी की स्टोरी में आप देखेंगे कि गंडोर में मार्किस और लेनन शहर के दो सबसे बड़े गुंडों ने सेतम की मर्ची फैक्ट्री को चला दिया। ये देखकर सेतम मार्किस और लेलन के पास पहुंचकर इससे सवाल करता है, जबकि फैक्ट्री चल रही थी। इससे 1998 के अमल में सीतम के बहनोई ने लेलन को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन सीतम ने इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसे 12 साल तक जेल में डाल दिया गया। तहम इसका बेटा रमना जुजी तौर पर अपनी बाई आंख की बनाई खो देता है, जिससे वो फैक्ट्री के धोखे के दौरान अंधा हो जाता है। इसके फौरन बाद ये देखकर के सीतम इस तरह जेल गया। इसकी बीवी और रमना की माँ विष्णुधर रमना को छोड़ने का फैसला करती है और अपने वालिद वेंगडा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंगडा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुत को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी 25 देती है कि रमना विष्णुधर का बेटा है और इसका मुकाबला करने के लिए वेंगडा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया है कि वो सुंदर खानदान से मुतालिक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमोलिया अमू और बालू रमना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंगडा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज करने का फैसला किया कि इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। पल्लो रमना के 23 हमदर्दी रखता है, पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में वेंगडा स्वामी के घर जाती है और बिल्कुल वही कुछ दोबारा बनाती है जो FIR में कहा गया था। विष्णुधर फिर रमना को देखने का फैसला करती है और इसे थप्पड़ मारती है, जिससे वो दस्तावेज पर दस्तखत करती है। वापस गंडूर में काता माधु ने रमना को अपने और अपनी पार्टी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन रमना ने इसे मारा। तहम काता अपना पर्स चुराने में कामयाब हो जाता है और मीडिया के सामने जहर करता है कि वो वाकई सिधर का बेटा है। वेंगडा स्वामी ये देखकर रमना को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है। इसके बाद सीतम ने इंकशाफ किया कि विष्णुधु हादसे के बाद फौरी तौर पर रमना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और इससे लड़ती थी, जिसका ख्याल था कि अपनी भाभी को बचाना इनकी अवलीन तरजीह है। वो रमना को भी अपने साथ वेंगडा स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची सीतम की बहन और इसकी भाभी ने इस पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल अदालत में
हुस्नुद्दीन ने बाबूजी से रमना की आंख के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर वो इसे बताती है कि इसकी आंख कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। हुस्नुद्दीन गुस्से में आया और इस कत्ल का इल्ज़ाम सीतम पर आयद करती है। ये जानकर रमना अफसुदा हो जाती है। चिल्टन बाबा जी और इनके लोग इन्हें और बल्लू को कत्ल करने की कोशिश के लिए अगवा करते। इसके बाद ये इनकशाफ हुआ कि हुस्नुद्दीन के दूसरे शोहर नरीना ने विनगड्डा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनके आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुदुर को एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुदुर का हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगट्टा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद विनगट्टा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा मधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी देती है कि रमना उसंद का बेटा है। इसका मुकाबला करने के लिए विनगट्टा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वो सिदर आया खानदान से मुतलक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमूल्या अमू और बालू मीना से दस्तावेज प्रदर्शित कराने की कोशिश कर रहे हैं। विनगट्टा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज कराने का फैसला किया। इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेजात पर दस्तखत कराने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। बालू रमना के लिए हमदर्दी रखता है और पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में विनगट्टा स्वामी के घर जाती है। बिल्कुल वही कुछ दोबारा बताती है जो FIR में कहा गया। इसके बाद ये इनकशाफ हुआ कि विष्णुदूर के दूसरे शोहर नरियाक ने विनगट्टा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनकी आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुधर एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर को हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगट्टा स्वामी ने रमना को हरिदास को कत्ल करने के लिए राजी किया ताकि ये साबित हो सके कि वो सुधर का बेटा है। इस अमल में विनगट्टा स्वामी ने पानी से इनकशाफ किया कि इसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में CM की फैक्ट्री पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, क्योंकि विष्णुदूर ने सीतम से शादी करने की वजह से इंतखाबात हारे थे, जो कि दूसरी जात से था। जब रमना हरिदास को कत्ल करने जाता है तो इसने इनकशाफ किया कि इसने कभी काता के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी नहीं की, और ये इनकशाफ हुआ कि विनगट्टा स्वामी ने सब कुछ तरतीब दिया था। गोपाल रेड्डी को अगला वजीर बनाने के प्रोग्राम में नरीना ने विनगट्टा स्वामी के सामने ये भी इनकशाफ किया कि गोपाल रेड्डी हुस्नुद्दीन का बेटा नहीं है, लेकिन इसे हुस्नुद्दीन ने महज विनगट्टा स्वामी को बेवकूफ़ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमना को नुकसान से बचाया जा सके। जब रमना को इस बात का इल्म होता है तो वो विनगट्टा स्वामी पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन हुस्नुद्दीन इसे रोकती है और वो दोनों गुंटूर चले जाते हैं, जहां ख़ानदान को दोबारा मिलाया जाता है। ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। अब मैं आपको कास्ट की तरफ लेके चलता हूं कि इस मूवी की कास्ट क्या है, इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता है आपको नजर आएगा। दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू बतौर वीरा वनगड्डार मना उर्फ रोटी रमना सीतम और
मसूदर के बेटे के रोल में नजर आएंगे। श्रीला बतौर अमकत अम्मू मौलिया पानी की बेटी और रमना की मोहब्बत की दिलचस्पी। मीनाक्षी चौधरी बतौर राजी रमना की कज़न। रम्या कृष्णन बतौर वसुधर वनगड़ा स्वामी की बेटी और रमना की माँ। सितेम नरीना की बेवी वजीर कानून जय राम बतौर रॉयल सीएम विष्णुधर के पहले शोहर और रमना के वालिद। प्रकाश राज बतौर वनगड़ा स्वामी वसुधर के वालिद और रमना के दादा। जगवती बाबू बतौर मार्कस लेनन के भाई और सीएम के हरीफ। राव रमेश बतौर नरीना वसुधर के दूसरे शोहर और रमना के सतेले वालिद। ईश्वरी राव बतौर बोची सीतम की बहन और रानी की माँ। मरी शर्मा बतौर पानी अंबोर के वालिद और वेनगटा स्वामी के वकील। सनील बतौर लेनन मार्किस के भाई के रोल में, जबकि वनीला किशोर बतौर बाबू पानी के मामन। राहुल रविंद्रान गोपाल रेड्डी वसुधर के गोद लिए हुए बेटे और रमना के सुतेले भाई के तौर पर। पी रवि शंकर काता माधु के तौर पर वेनगटा स्वामी के हरीफ अपोजिशन लीडर। ब्रह्मा जी बतौर एस पी मधुसूदन राव बतौर चेली हरिदास। अजय घोष बतौर हरिदास अजय पैसे ते चिल्ड्रन बाबा जी नबीना कंट्रैक्ट कतल। राघु बाबू बतौर बाबू जी के शोर और राजी के वालिद। माना के चचा महेश अचंता लेनन के बेटे और मारिस के भतीजे के तौर पर नजर आएंगे। और आखिर में मैं आपको बता दूँ जो आखिरी जिसका मेन कुछ रोल है उन्होंने पी साई बतौर याकूब गाना करची माधिया पेटी में पुरीना एक ख़ास किरदार में आपको नजर आएंगी। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ट्री विक्रम और इसके अलावा राइटर जो हैं इस मूवी के वो भी ट्री विक्रम की हैं। प्रोड्यूस्ड बाय एस राधा कृष्णा है। मेन किरदार अदा करते आपको जो नज़र आएंगे वो महेश बापू हैं। इसके अलावा श्रीला हैं और इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी हैं। रम्या कृष्णा हैं। जयराम हैं। प्रकाश राज हैं। जगवती बाबू हैं। राव रमेश हैं। और सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की है महोज और पी एस विनोद। एडिट नवीन नोली की तरफ से है। म्यूजिक जो है इसका तमिल जबान में है और हामिस एस ने किया है। प्रोडक्शन कंपनी हरिका एंड हसनी क्रिएट्स। रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है। रनिंग टाइम इसका 160 मिनट की ये कहानी है। इनके 2 घंटे 40 मिनट की ये कहानी है। कंट्री इसके इंडिया है और इस लैंग्वेज में इसको शूट किया गया रिलीज किया गया वो लैंग्वेज जबान है ये तेलुगु। और इस फिल्म की जो लागत आई वो 200 करोड़ की लागत आई और फिलहाल इसने बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ का बिजनेस किया है। गंटोर कारम एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की मिसाला फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी तुरु यक्रम श्री नवास ने की है और एस राधा कृष्णा 2024 में स्पाइस ऑफ गंटोर गंटोर कारम क्रिएशंस के जरिए प्रोड्यूस की है। इसमें महेश बाबू श्रीला मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णा जिया राम प्रकाश राज और जगवती बाबू शामिल हैं। इस फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मई 2021 में आरजी उन्वान के तहत किया गया था क्योंकि ये महेश की मरकजी किरदार में 28वीं फिल्म है और ऑफिशियल टाइटल का ऐलान मई 2023 में किया गया था। इस बार फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2022 में शुरू किया गया जिसकी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद में हुई और इसको लपेट दिया गया दोस्तों दिसंबर 2023 के आखिर। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक हामन एस ने तरतीब दिया है जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनोज ने संभाली है और एडिटिंग नवीन नोली ने की है। कंटोर कोरम
सिंगरत्ती के मौके पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर इसकी हिदायतकारी, स्क्रीन प्ले, प्ले प्लाट, बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक पर तनकीद करने वाले नाकदीन की जानब से मिले जुले जायजे के मुकाबले मनफी जायजे भी मिले, लेकिन महेश की कारकर्दगी को सराहा गया। ये 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्टोरी का इंतजार होता है कि मूवी की स्टोरी क्या है। उस मूवी की स्टोरी में आप देखेंगे कि गंडोर में मार्किस और लेनन शहर के दो सबसे बड़े गुंडों ने सेतम की मर्ची फैक्ट्री को चला दिया। ये देखकर सेतम मार्किस और लेनन के पास पहुंचकर इससे सवाल करता है, जबकि फैक्ट्री चल रही थी। इससे 1998 के अमल में सीतम के बहनोई ने लेनन को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन सीतम ने इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसे 12 साल तक जेल में डाल दिया गया। हाँ, इसका बेटा रमना जुजी तौर पर अपनी बाई आंख की बनाई खो देता है, जिससे वो फैक्ट्री के धोखे के दौरान अंधा हो जाता है। इसके फौरन बाद ये देखकर के सीतम इस तरह जेल गया। इसकी बीवी और रमना की माँ विष्णुधर रमना को छोड़ने का फैसला करती है और अपने वालिद वेंगडा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंगडा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुत को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी 25 देती है कि रमना विष्णुधर का बेटा है और इसका मुकाबला करने के लिए वेंगडा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया है कि वो सुंदर खानदान से मुतालिक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमोलिया अमू और बालू रमना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंगडा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज करने का फैसला किया कि इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। पल्लो रमना के 23 हमदर्दी रखता है, पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में वेंगडा स्वामी के घर जाती है और बिल्कुल वही कुछ दोबारा बनाती है जो FIR में कहा गया था। विष्णुधर फिर रमना को देखने का फैसला करती है और इसे थप्पड़ मारती है, जिससे वो दस्तावेज पर दस्तखत करती है। वापस गंडूर में काता माधु ने रमना को अपने और अपनी पार्टी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन रमना ने इसे मारा। तहम काता अपना पर्स चुराने में कामयाब हो जाता है और मीडिया के सामने जहर करता है कि वो वाकई सिद्धर का बेटा है। रिंगटा स्वामी ये देखकर रमना को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है। इसके बाद सीतम ने इंकशाफ किया कि विष्णुधु हादसे के बाद फौरी तौर पर रमना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और इससे लड़ती थी, जिसका ख्याल था कि अपनी भाभी को बचाना इनकी अवलीन तरजीह है। वो रमना को भी अपने साथ वेंगडा स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची सीतम की बहन और इसकी भाभी ने इस पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल अदालत में विष्णुधर ने बाबूजी से रमना की आंख के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर वो इसे बताती है कि इसकी आंख कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। विष्णुधर गुस्से में आया
और इस कत्ल का इल्ज़ाम सीतम पर आयद करती है। ये जानकर रमना अफसुदा हो जाती है। चिल्टन, बाबा जी और इनके लोग इन्हें और बल्लू को कत्ल करने की कोशिश के लिए अगवा करते। इसके बाद ये इनकशाफ हुआ कि मुस्नदूर के दूसरे शोहर नरीना ने विनगड्डा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनके आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुदुर को एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुदुर का हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगट्टा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद विनगट्टा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा मधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी देती है कि रमना उसन का बेटा है। इसका मुकाबला करने के लिए विनगट्टा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वो सिदर आया ख़ानदान से मुतलक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमूल्या, अमू और बालू मीना से दस्तावेज प्रदर्शित कराने की कोशिश कर रहे हैं। विनगट्टा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज कराने का फैसला किया। इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेजात पर दस्तखत कराने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। बालू रमना के लिए हमदर्दी रखता है और पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में विनगट्टा स्वामी के घर जाती है। बिल्कुल वही कुछ दोबारा बताती है जो FIR में कहा गया। इसके बाद ये इनकशाफ हुआ कि विष्णुदूर के दूसरे शोहर नरियाक ने विनगट्टा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनकी आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुधर एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर को हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगट्टा स्वामी ने रमना को हरिदास को कत्ल करने के लिए राजी किया ताकि ये साबित हो सके कि वो सुधर का बेटा है। इस अमल में विनगट्टा स्वामी ने पानी से इनकशाफ किया कि इसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में CM की फैक्ट्री पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, क्योंकि विष्णुदूर ने सीतम से शादी करने की वजह से इंतखाबात हारे थे, जो कि दूसरी जात से था। जब रमना हरिदास को कत्ल करने जाता है तो इसने इनकशाफ किया कि इसने कभी काता के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी नहीं की और ये इनकशाफ हुआ कि विनगट्टा स्वामी ने सब कुछ तरतीब दिया था। गोपाल रेड्डी को अगला वजीर बनाने के प्रोग्राम में नरीना ने विनगट्टा स्वामी के सामने ये भी इनकशाफ किया कि गोपाल रेड्डी वसुधर का बेटा नहीं है, लेकिन इसे वसुधर ने महज विनगट्टा स्वामी को बेवकूफ़ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमना को नुकसान से बचाया जा सके। जब रमना को इस बात का इल्म होता है तो वो विनगट्टा स्वामी पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन सुधर इसे रोकती है और वो दोनों गुंटूर चले जाते हैं, जहां ख़ानदान को दोबारा मिलाया जाता है। ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। अब मैं आपको कास्ट की तरफ लेके चलता हूं कि इस मूवी की कास्ट क्या है, इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। दोस्तों, इस मूवी में महेश बाबू बतौर वीरा वनगड्डार, मना उर्फ रोटी, रमना, सीतम और मसूदर के बेटे के रोल में नजर आएंगे। श्रीला बतौर अमकत, अम्मू, मौलिया, पानी की बेटी और रमना की मोहब्बत की दिलचस्पी।
मीनाक्षी चौधरी बतौर राजी रमना की कजन, रम्या कृष्णन बतौर वसुधर वनगड़ा स्वामी की बेटी और रमना की माँ, सितेम नरीना की बेवी वजीर कानून जय राम बतौर रॉयल सीएम विष्णुधर के पहले शोर और रमना के वालिद, प्रकाश राज बतौर विनगटा स्वामी वसुधर के वालिद और रमना के दादा, जगवती बाबू बतौर मार्किस एनन के भाई और सीएम के हरीफ, राव रमेश बतौर नरीना वसुधर के दूसरे शोहर और रमना के सतेले वालिद, ईश्वरी राव बतौर बोची सीतम की बहन और रानी की माँ, मरी शर्मा बतौर पानी अंबोर के वालिद और वेनगटा स्वामी के वकील, सनील बतौर लेनन मार्किस के भाई के रोल में, जबकि वनीला कशोर बतौर बाबू पानी के मामन, राहुल रविंद्रान गोपाल रेड्डी वसुधर के गोद लिए हुए बेटे और रमना के सुतेले भाई के तौर पर, पी रवि शंकर कार्ता माधु के तौर पर, विनगट्टा स्वामी के हरीफ अपोजिशन लीडर ब्रह्मा जी बतौर एसपी, मधु सुधन राव बतौर चेली हरिदास, अजय घोष बतौर हरिदास, अजय पैसे ते चिल्ड्रन बाबा जी, नबीना कंट्रैक्ट कतल, राघु बाबू बतौर बाबू जी के शोर और राजी के वालिद, माना के चचा महेश अचंता लेनन के बेटे और मारिस के भतीजे के तौर पर नजर आएंगे, और आखिर में मैं आपको बता दूँ जो आखिरी जिसका मेन कुछ रोल है वो है पी साई बतौर याकूब, गाना करची माधिया पेटी में पुरीना एक खास किरदार में आपको नजर आएंगी। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ट्री विक्रम, और इसके अलावा राइटर जो हैं इस मूवी के वो भी ट्री विक्रम ही हैं, प्रोड्यूस्ड बाय एस राधा कृष्णा है, मेन किरदार अदा करते आपको जो नज़र आएंगे वो महेश बापू हैं, इसके अलावा श्रीला हैं, और इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी हैं, रम्या कृष्णा हैं, जेरम हैं, प्रकाश राज हैं, जगवती बाबू हैं, राव रमेश हैं, और सेमनोग्राफी इस मूवी की है महोज और पी एस विनोद, एडिट नवीन नोली की तरफ से है, म्यूज़िक जो है ना इसका तमिल जबान में है और इस थॉमस एस ने किया है, प्रोडक्शन कंपनी हरिका एंड हसनी क्रिएट्स, रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है, रनिंग टाइम इसका 160 मिनट की ये कहानी है, इनके 2 घंटे 40 मिनट की ये कहानी है, कंट्री इसके इंडिया है, और इस लैंग्वेज में इसको शूट किया गया, रिलीज किया गया वो लैंग्वेज जबान है ये तेलुगू, और इस फिल्म की जो लागत आई वो 200 करोड़ की लागत आई, और फिलहाल इसने बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ का बिजनेस किया है। गंटोर कारम एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की मिसाला फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी तुरु यक्रम श्री नवास ने की है, और एस राधा कृष्णा 2024 में स्पाइस ऑफ कंटोर कंटोर कारम क्रिएशंस के जरिए प्रोड्यूस की है। इसमें महेश बाबू, श्रीला मीनाक्षी चौधरी, रम्या कृष्णा, जिया राम, प्रकाश राज और जगवती बाबू शामिल हैं। इस फिल्म का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मई 2021 में आरजी उन्वान के तहत किया गया था, क्योंकि ये महेश की मरकजी किरदार में 28वीं फिल्म, और ऑफिशियल टाइटल का ऐलान मई 2023 में किया गया था। इस बार फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2022 में शुरू किया गया, जिसकी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद में हुई, और इसको लपेट दिया गया दोस्तों दिसंबर 2023 के आखिर। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थामन एस ने तरतीब दिया है, जिसकी सिनेमाग्राफी मनोज ने संभाली है, और एडिटिंग नवीन नोली ने की है। कंटोर कोरम सिंगलिंग सिंगरती के मौके पर
12 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आमतौर पर इसकी हिदायतकारी, स्क्रीन प्ले, प्ले प्लाट, बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक पर तनकीद करने वाले नाकदीन की जानब से मिले जुले जायजे के मुकाबले मनफी जायजे भी मिले, लेकिन महेश की कारकर्दगी को सराहा गया। ये 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्टोरी का इंतजार होता है कि मूवी की स्टोरी क्या है। इस मूवी की स्टोरी में आप देखेंगे कि गंडोर में मार्किस और लेनन शहर के दो सबसे बड़े गुंडों ने सीतम की मर्ची फैक्ट्री को चला दिया। ये देखकर सीतम मार्किस और लेनन के पास पहुंचकर इससे सवाल करता है जबकि फैक्ट्री चल रही थी। इससे 1998 के अमल में सीतम के बहनोई ने लेनन को कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन सीतम ने इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। इसे 12 साल तक जेल में डाल दिया गया। हाँ, इसका बेटा रमना जुजी तौर पर अपनी बाई आंख की बनाई खो देता है, जिससे वो फैक्ट्री के धोखे के दौरान अंधा हो जाता है। इसके फौरन बाद ये देखकर के सीतम इस तरह जेल गया। इसकी बीवी और रमना की माँ विष्णुधर रमना को छोड़ने का फैसला करती है और अपने वालिद वेंगडा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद वेंगडा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से वसनत को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा माधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी 25 देती है कि रमना वसनतधर का बेटा है और इसका मुकाबला करने के लिए वेंगडा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया है कि वो सुंदर खानदान से मुतालिक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमोलिया अमू और बालू रमना से दस्तावेज पर दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंगडा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज करने का फैसला किया कि इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। पल्लो रमना के 23 हमदर्दी रखता है, पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में वेंगडा स्वामी के घर जाती है और बिल्कुल वही कुछ दोबारा बनाती है जो FIR में कहा गया था। विष्णुधर फिर रमना को देखने का फैसला करती है और इसे थप्पड़ मारती है, जिससे वो दस्तावेज पर दस्तखत करती है। वापस गंडूर में काता माधु ने रमना को अपने और अपनी पार्टी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन रमना ने इसे मारा। तहम काता अपना पर्स चुराने में कामयाब हो जाता है और मीडिया के सामने जहर करता है कि वो वाकई सिधर का बेटा है। वेंगडा स्वामी ये देखकर रमना को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है। इसके बाद सीतम ने इंकशाफ किया कि वसनुदु हादसे के बाद फौरी तौर पर रमना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और इससे लड़ती थी, जिसका ख्याल था कि अपनी भाभी को बचाना इनकी अवलीन तरजीह है। वो रमना को भी अपने साथ वेंगडा स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची सीतम की बहन और इसकी भाभी ने इस पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल अदालत में वसनुदूर ने बाबूजी से रमना की आंख के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर वो इसे बताती है कि इसकी आंख कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। वसनुदूर गुस्से में आया और इस कत्ल का इल्ज़ाम सीतम पर आयद करती है। ये जानकर रमना अफसुदा हो जाती है।
चिल्टन बाबा जी ओ एन के लोग इन्हें और बल्लू को कत्ल करने की कोशिश के लिए अगवा करते। इसके बाद ये इनकशाफ हुआ कि मुस्नदूर के दूसरे शोहर नरिन्ना ने विनगड्डा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनके आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुदुर को एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुदुर का हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगट्टा स्वामी के साथ चली जाती है। साल बाद विनगट्टा स्वामी ने अपनी सियासी पार्टी से विष्णुधर को वजीर बनाया, लेकिन इन्हें हरीफ सियासी जमात की तरफ से कट्टा मधु की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो इस हकीकत को बेनकाब करने की धमकी देती है कि रमना उसन का बेटा है। इसका मुकाबला करने के लिए विनगट्टा स्वामी ने रमना से एक दस्तावेज पर दस्तखत कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वो सिदर आया खानदान से मुतलक नहीं है, जिसके बदले में इसे रकम मिलेगी। रमना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख सकता, आगे पीछे अमूल्या अमू और बालू मीना से दस्तावेज प्रदर्शित कराने की कोशिश कर रहे हैं। विनगट्टा स्वामी मायूसी में भरते हुए पानी ने रमना के खिलाफ जेली FIR दर्ज कराने का फैसला किया। इसने अपने घर में मौजूद कीमती सामान को तबाह कर दिया और इस दस्तावेजात पर दस्तखत कराने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। बालू रमना के लिए हमदर्दी रखता है और पानी की मुखालफत करता है और रमना के लिए जमानत का ऑर्डर हासिल करता है। रमना हैदराबाद में विनगट्टा स्वामी के घर जाती है। बिल्कुल वही कुछ दोबारा बताती है जो FIR में कहा गया। इसके बाद ये इनकशाफ हुआ कि विष्णुदुर के दूसरे शोहर नरियाक ने विनगट्टा स्वामी के हुक्म के तहत रमना को कत्ल करने के लिए बाबा जी और इनकी आदमियों की खिदमत हासिल की। दूसरी जगह विष्णुधर एक लारी ने टक्कर मारी और फिर अस्पताल में दाखिल कराया। रमना ये देखने के लिए दौड़ती है कि वो कैसी है। इसके बाद इनकशाफ हुआ कि हरिदास और काता मधु ने विष्णुधर को हादसे के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। विनगट्टा स्वामी ने रमना को हरिदास को कत्ल करने के लिए राजी किया ताकि ये साबित हो सके कि वो सुधर का बेटा है। इस अमल में विनगट्टा स्वामी ने पानी से इनकशाफ किया कि इसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में CM की फैक्ट्री पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, क्योंकि विष्णुदूर ने सीतम से शादी करने की वजह से इंतखाबात हारे थे, जो कि दूसरी जात से था। जब रमना हरिदास को कत्ल करने जाता है तो इसने इनकशाफ किया कि इसने कभी काता के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी नहीं की, और ये इनकशाफ हुआ कि विनगट्टा स्वामी ने सब कुछ तरतीब दिया था। गोपाल रेड्डी को अगला वजीर बनाने के प्रोग्राम में नरिन्ना ने विनगट्टा स्वामी के सामने ये भी इनकशाफ किया कि गोपाल रेड्डी वसुधर का बेटा नहीं है, लेकिन इसे वसुधर ने महज विनगट्टा स्वामी को बेवकूफ़ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमना को नुकसान से बचाया जा सके। जब रमना को इस बात का इल्म होता है तो वो विनगट्टा स्वामी पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन सुधर इसे रोकती है और वो दोनों गुंटूर चले जाते हैं, जहां ख़ानदान को दोबारा मिलाया जाता है। ये है जी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। अब मैं आपको कास्ट की तरफ लेके चलता हूं कि इस मूवी की कास्ट क्या है, इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नजर आएगा। दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू बतौर, वीरा वनगड्डार, मना उर्फ रोटी, रमना, सीतम और मसूदर के बेटे के रोल में नजर आएंगे। श्रीला बतौर अमकत, अम्मू मौलिया पानी की बेटी और रमना की मोहब्बत की दिलचस्पी। मीना कशी चौधरी बतौर राजी, रमना की कज़न। रमिया कृष्णन बतौर वसुधर, वनगट्टा स्वामी की बेटी और रमना की माँ।
सितेम नरीना की बेवी, वजीर कानून जे राम बतौर रॉयल सीएम विष्णुधर के पहले शोर और रमना के वालिद, प्रकाश राज बतौर विनगट्टा स्वामी विष्णुधर के वालिद और रमना के दादा, जगवती बाबू बतौर मार्कस लेनन के भाई और सीएम के हरीफ, राव रमेश बतौर नरीना वसुधर के दूसरे शोहर और रमना के सतेले वालिद, ईशोरी राव बतौर बोची सीतम की बहन और रानी की माँ, मरी शर्मा बतौर पानी अंबोर के वालिद और वेनगट्टा स्वामी के वकील, सनील बतौर लेनन मार्किस के भाई के रोल में, जबकि वनीला कशोर बतौर बाबू पानी के मामन, राहुल रविंद्रान गोपाल रेड्डी वसुधर के गोद लिए हुए बेटे और रमना के सुतेले भाई के तौर पर, पी रवि शंकर काता माधु के तौर पर, वेनगट्टा स्वामी के हरीफ अपोजिशन लीडर ब्रह्मा जी बतौर एसपी, मधुसूदन राव बतौर चेली हरिदास, अजय घोष बतौर हरिदास अजय पैसे ते चिल्ड्रन, बाबा जी नबीना कंट्रैक्ट कत्ल, राघु बाबू बतौर बाबू जी के शोर और राजी के वालिद, माना के चचा महेश अचंता लेनन के बेटे और मारिस के भतीजे के तौर पर नजर आएंगे, और आखिर में मैं आपको बता दूँ जो आखिरी उसका मेन कुछ रोल है वो है पी साई बतौर याकूब, गाना करची माधिया पेटी में पुरीना एक ख़ास किरदार में आपको नजर आएंगी। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ट्री विक्रम, और इसके अलावा राइटर जो हैं इस मूवी के वो भी ट्री विक्रम ही हैं, प्रोड्यूस्ड बाय एस राधा कृष्णा है, मेन किरदार अदा करते आपको जो नज़र आएंगे वो महेश बापू हैं, इसके अलावा श्रीला हैं, और इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी हैं, रम्या कृष्णा हैं, जेरम हैं, प्रकाश राज हैं, जगवती बाबू हैं, राव रमेश हैं, और सेमनोग्राफी इस मूवी की है महोज और पी एस विनोद, एडिट नवीन नोली की तरफ से है, म्यूज़िक जो है ना इसका तमिल जबान में है और हामिस एस ने किया है, प्रोडक्शन कंपनी हरीका एंड हसनी क्रिएट्स, रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 है, रनिंग टाइम इसका 160 मिनट की ये कहानी है, इनके 2 घंटे 40 मिनट की ये कहानी है, कंट्री इसके इंडिया है और इस लैंग्वेज में इसको शो किया गया, रिलीज किया गया वो लैंग्वेज जबान है ये तेलुगू, और इस फिल्म की जो लागत आई वो 200 करोड़ की लागत आई, और फिलहाल इसने बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ का बिजनेस किया है।